ओम शांति। आज 19 मार्च 2024 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे घड़ी घड़ी बाप और वरसे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते, बच्चे मुझे याद करो। प्रश्न है, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा? उत्तर है, अपने आप से बातें करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह तो सब खत्म हो जाना है, बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। ओम शांति। परमपिता शिव भगवानु वाच, मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बुद्धि में याद रहे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं और यह जो रावण का पिंजड़ा है उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आया है। जैसे कोई पंछी को पिंजड़े से निकाला जाता है तो वह बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो यह रावण का पिंजड़ा है, अनेक प्रकार के दुख ही दुख हैं। अब बाप आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए, हे तो मनुष्य ही, शास्त्रों में लिख दिया है, देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। अब लड़ाई की तो बात ही नहीं, तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो, आसुरी रावण अर्थात पांच विकारों पर तुम जीत पाते हो, न कि रावण संप्रदाय पर। पांच विकारों को ही रावण कहा जाता है, बाकी किसको जलाने आदि की बात नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो, अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी, सदैव बसंत ऋतु ही रहती है। सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है। यह बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है, वह बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वहाँ गर्मी आदि होती नहीं है, गर्मी से भी मनुष्यों को दुख होता है, मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छुड़ाने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयाँ आदि याद आएंगी। यहाँ इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं, उनको सिर्फ याद करने से सब रोग छूट जाते हैं और दवाई आदि कुछ भी नहीं है। बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को याद कैसे करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठकर लिखो, कागज खराब करो, जरूरत ही नहीं रहती। बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धि में बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, कोई सुने तो क्या कहेंगे? कहते भी हैं हम जीते जी बाप के बने हैं। क्यों बने हैं? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने। फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? इतना बार तुमने वर्षा लिया है फिर भी भूल जाते हो? बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है, देवी गुण भी धारण करने हैं। लिखना क्या है यह तो हर एक अपनी दिल से पूछे। नारद का भी मिसाल है, खुद कहते हैं बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं, हम मीठे बाप को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार की गोद लेता है तो कितना खुश होता है, बाप को और प्रॉपर्टी को ही याद करते हैं। यहाँ तो बहुत है जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजय लेने का भी अक्ल नहीं आता है। वंडरफुल बात है, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते हैं, बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ऐसे बाप को याद न करना यह तो वंडरफुल बात है। घड़ी घड़ी
बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों, तुमने बुलाया ही है एडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो, बाबा हम पतितों को आकर गोद में लो, आपे ही कहते हो हम पतित कंगाल छीछे वर तो नॉट पेनी है। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हो। अब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था, अभी मनुष्यों को कितना दुख है। बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म कितने वर्ष, लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा, कभी लड़ाई लगेगी नहीं, न कोई दुख रोग आदि का नाम होगा। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। तुम याद ही करते हो, हे भगवान आकर दुख हरो, सुख शांति दो, यह दो चीजें हर एक मांगते हैं। यहाँ है अशांति, शांति के लिए जो राय देते हैं उनको प्राइज मिलते रहते हैं। बिचारों को मालूम ही नहीं कि शांति किसको कहा जाता है। शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वारा मिल न सके। कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद यह किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। बोलो, विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई है जो फिर उस प्रकार मिले? जरूर कभी मिली होगी। तुमको मालूम है, तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। बाप ने ही आकर विश्व में शांति सुख स्थापन किया था, वह सतयुग का समय था। यह लक्ष्मी नारायण है डिनास्टी की निशानी। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पार्ट का किसको पता नहीं है। मुख्य पार्ट तो ब्रह्मा का है ना, वही रथ बनते हैं जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं। नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। विचार करो कैसे किसको समझाएं, मनुष्यों को कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही, सिर्फ ज्ञान सागर के पास, वह जब आए तब आकर दे, तब तक ज्ञान तो कोई दे न सके। भक्ति तो सब भक्त करते ही रहते हैं, ज्ञान एक ही बाप देते हैं। ज्ञान का स्थाई पुस्तक कोई बनता नहीं, ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है। यह किताब आदि जो तुम रखते हो यह सब टेम्प्ररी हैं, यह भी सब खत्म हो जाएंगे। तुम नोट्स लिखते हो यह भी खत्म हो जाने हैं, यह सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए हैं। बाप कहते हैं, टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु यह तो जानते हो यह पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। बाकी जो भी पुरानी चीजें इन आँखों से देखते हो वह भी खत्म हो जाएंगे, पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छी छी ही मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं, बाप ही बनाते हैं, साधु संत आदि थोड़े ही बनाते हैं, बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाप कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठती हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा, बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो। अपनी दिल से पूछो, मैं स्वीर बाबा को कितना याद करता हूँ। हीर रांझा का विकार के लिए लव नहीं था, शारीरिक प्यार था, याद करते थे और सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे।
बाप कहते हैं तुम भी ऐसे बनो। वह है एक जन्म के आशिक माशुक, तुम हो जन्म जन्मांतर के। यह बातें इस समय ही होती हैं। आशिक माशुक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं है, वह भी पवित्र रहते हैं। मनसा में भी ख्याल आते हैं, सामने देखा और खुश हुए। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज नहीं, इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशुक बाप को याद करो। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते रहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, माशुक पर कुर्बान जाते थे। आप आएंगे तो हे माशुक हम तुम पर वारिश आएंगे। अब माशुक आया हुआ है सबको गोरा बनाने, जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा, आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यहाँ तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छे हैं। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं, माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं, धीरे धीरे चलते जाते हैं। वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे। बाप को तो जानते ही नहीं, मेरे लिए तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या, बिंदी को कैसे याद करें, किसको पता नहीं। तुमको अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहाँ आते हो। मधुबन का तो गायन है, यह है सच्चा सच्चा मधुबन जहाँ तुम आते हो। जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो, किसको भी देखो नहीं। ऊपर छतें तो पड़ी हैं, बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मज़ा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की, तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बहुत जमा करना है, बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी यही राय करते रहो, बाबा कितना मीठा है, उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। यह बहुत जमा कर सकते हैं, यह चांस भी यह अच्छा मिलता है। घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे, फुर्सत ही कहाँ रहती है। दुनिया का वाइब्रेशन वातावरण बहुत खराब रहता है, वहाँ इतनी याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की क्या बात है, आशिक माशुक लिखते हैं क्या। अंदर में देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया, कितने को याद दिलाया। यहाँ हम आते हैं जमा करने, तो यहाँ कोशिश करो ऊपर छतों पर एकांत में जाकर बैठो, खजाना जमा करो। यह समय है ही जमा करने का। 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुन कर जाए, एकांत में बैठो। यहाँ तो घर में बैठे हो, बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बांधे लिया है, याद करती है शो बाबा बंधन से छुड़ाओ। विकार के लिए कितना मारते हैं, खेल दिखाया है ना, द्रौपदी के चीर हरे। तुम सब द्रौपदिया हो ना, तो बाप को याद करते रहना है। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते हैं, इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं रहती। हाँ पाखाना यानी लेटरीन में जाना होता तो स्नान जरूरी है। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं, मुख्य बात है ही याद की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्र का ज्ञान है। अपने अंदर में बैठ कर देखो, अपने से पूछो, ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना याद किया। मन भागता तो नहीं, कहाँ भागेगा, दुनिया तो है नहीं, यह सब खत्म हो जाना है, हम और बाबा ही रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मज़ा आएगा। यहाँ जो भी आते हैं वह बहुत पुराने भक्त हैं, जो नहीं आते वह समझो कि आजकल के भक्त हैं, वह देरी से आएंगे। शुरू से भक्ति करने वाले जरूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। यह गुप्त मेहनत है, जो धारणा नहीं करते हैं उनसे कुछ भी मेहनत होती नहीं। यहाँ तुम आते ही हो रिफ्रेश होने, अपने से मेहनत करो।
एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहाँ 12 मास में नहीं, यहाँ 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। बाबा राय देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई क्षमा करनी है, अपने अंदर चेक करना है याद के समय मन भागता तो नहीं है, हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं। दूसरी पॉइंट है सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजरे से मुक्त कर दिया, अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी, जहाँ सदा ही बसंत ऋतु है। आज का वरदान है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भव। विश्लेषण है जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं, मेरा कुछ नहीं सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है, जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखुट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे। आज का स्लोगन है खजानों को सेवा में लगाना, अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। खजानों को सेवा में लगाना, अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। अच्छा, ओम शांति।